आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा होना हो सकता है. तो मेरे साथ ये था, करने तक था, बट जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या मैंने अपने आप को चमकाया. मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया. जगेंद्र, सबसे पहले तो रोहित से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज्यादा चुकाया, तो उन्होंने आपका नाम लिया. जाने से पहले सबसे ज्यादा डरी हुई भी मुझे लगता है आप. हाँ, असल में बहुत ज्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी. हाइट से, पानी से, वो सारी फोबियाज नहीं कर गई थी, बल्कि और हम जिस तरह की फिटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन. हाँ, हम लोग सोशल मीडिया पे हम जज करते हैं यार, फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं, शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क. आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा होना हो सकता है. मेरे साथ ये था, विवेक ने जब मुझे सुना कि मुझे ऑफर मिला है, उन्हें मालूम मुझे काफ़ी शौक है इन चीज़ों का, और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो रियली मोटिवेटेड. और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फिटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर. एंड डर करने तक था, बट जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती थी, लोगों को क्या मैंने अपने आप को चमकाया. मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया. तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है मतलब के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? वेल, मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि वैसे इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं. मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कर, उसके बाद मैंने दिव्यांका को मिली. वो जो खोई हुई दिव्यांका है आपको मिलेगी. आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के शो को करने के लिए जरूरी नहीं आप फिटनेस दूर रखें, यहाँ पे डर. जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है. डर जो होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ, डर जो है ना हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है. हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं कहीं भी जाओ कीड़ा मत छूना, नहीं नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं नहीं हाइट उस किनारे पे मत जाना. मुझे नहीं 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 बच्चों 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 की चिंता थी ना, बच्चों के दिल में दिमाग में वो डर बैठ जाता है. बल्कि डर जो जिंदगी भर ताबूत कैरी करते हैं. हाँ, सर्वाइवर वो है जो बचकर चले, लेकिन विनर वो है, विजेता वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को बहुत बड़ा होती है. और इस बात का एहसास मुझे तो अगर आपको कभी कॉकरोच दिख गए तो आप डरेंगे नहीं? अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था मैं कॉकरोच तो वो आते थे कॉकरोच हटाते थे, इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी. बट अब मैं ज़्यादा दिन हो चुकी हूँ शो के बाद में. ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ कॉकरोचेस खतरनाक नहीं है, बहुत एलर्जी देती है.